भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल इस सीरीज में कप्तान ऋषभ पंत की सेना 1-0 से पिछड़ी है और इसलिए उनका दूसरा मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। ऐसे में कप्तान पंत को दूसरे T20 मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। तो आइए एक नजर मारते हैं दूसरे T20 में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर। दरअसल अगर ओपनिंग बल्लेबाज की बात की जाए तो पहले T20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ईशान किशन अच्छी फॉर्म में दिखे और उन्होंने 76 रनों की तगड़ी पारी खेली। ईशान किशन खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ माहिर विकेट कीपर भी है। ऐसे में जोड़ी ही दूसरे T20 में भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका मिलना भी तय है। अय्यर ने भी पहले मैच में 36 रन बना दिए थे। तो वहीं हार्दिक पांड्या और कप्तान ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर को ताकत देने का काम करेंगे। इसके अलावा दिनेश कार्तिक नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर सकते हैं। नंबर 7 पर अगले मैच में अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को मौका दिया जा सकता है। हुड्डा एक घातक बल्लेबाज होने के साथ साथ गेंदबाजी भी कर लेते हैं। वहीं अगर लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें युजवेंद्र चहल स्पिन गेंदबाजी की अगुवाई एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी लाइनअप में हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ इस बार आवेश खान की जगह उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। वहीं अगर दूसरे T20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या दोस्तों आपके हिसाब से दूसरे T20 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।